कृष्णा सर आपके साथ एक धमाकेदार व्लॉग लेके। और अभी सहरी का टाइम है, मैं जा रही हूँ बाबा के साथ दही लेने, तो चलते हैं दही लेने और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, की फरमाइशी प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स। हम शॉप पे गए थे तो वहाँ से हमने ले ली है ब्रेड और अंडे, और हमने ले ली है अपनी चीज जो कि हर दफा होती है ना बाबा। हाँ, ये जगह टैक्सी का जो है ना ये परमानेंट है। सहरी का टाइम हो चुका हुआ है और आवरी सोच में पड़ी हुई है कि मैं क्या खाऊं, मेरा उसका दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। उसके आगे समोसा और एक छोटा सा रोल पड़ा हुआ है। आवरी क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल क्यों नहीं कर रहा? वैसे इस टाइम ही दिल करता मेरा खाने को। बेटा नहीं ना, अगर रोजा रखना है तो आप खा, कल भी आपने कुछ भी नहीं खाया ठीक है, तो फिर आप भूल भूल के चीजें भी खाती हैं ठीक है। तो इससे बेहतर है आप पेट भर के कुछ खाया करो। आप देखो ये कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी सहरी नहीं है। ओके जी, मैं अपनी सहरी करने लगा हूँ, सहरी में खाने लगा हूँ हर रोज की तरह पराठा, मज़ेदार किस्म का, और साथ अंडा है उसके साथ। अभी खाने लगा हूँ दही, ठीक है, अंडा पराठा और दही। तो अपनी सहरी में स्टार्ट करता हूँ। ये लो अपनी मम्मा को भी पानी दे के आओ, जल्दी जाओ। 2 मिनट रह गए हैं रोज़ा बंद होने में, तो इससे पहले कि रोज़ा बंद हो जाए पानी पी लेना चाहिए। मैं पानी पी लूँ ठीक है। तो मुझे पहले पीने दो, मैं छोटी सोची हूँ। मुझे भी दे दो। ये क्या भाई? मैं भर लाती हूँ। जाओ ले लेके आओ, जल्दी आओ, टाइम बहुत थोड़ा, जल्दी आओ। हम चना तारे से मिलेंगे, वो चना तारे हमारे फ्रेंड है। बाय, मैं आपसे कल मिलूंगा। अल्लाह बाबा ऑफिस गए हुए हैं, मैं बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स आज टैंक भी नहीं बनाया क्योंकि पापा ही टैंक पीते हैं, और इस वजह से आज पानी है सिर्फ सादा, मामा ही है सिर्फ बिरयानी खाएंगी, बाकी हम सब ये चीज़ें खाएंगे। फ्रेंड्स पापा सुबह कहते रहते हैं कि खा लो खा लो खा लो, सुबह खाया नहीं जाता, और जब अफ्तारी होती है तो दिल करता है सारा कुछ खा लो, लेकिन खाया जाता भी नहीं। फिर भी क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हम पी लेते हैं, तो इस वजह से मैं कहती हूँ पानी कम पीना चाहिए और खाना ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारा पेट भर जाए, ताकि मिर्चें लगे और सड़े। ये जी हम पीने आए हैं रबड़ी वाला दूध अल हाफिज डेयरी वाले, दो मिल्क शॉप है इधर, नई ओपन हुई है, तो इनसे हम ट्राई करने लगे हैं। ये इनका रबड़ी वाला दूध है ये वाला। हाँ जी, तो इनका ये रबड़ी वाला दूध पिया है, बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का भाई, मज़ेदार किस्म की मलाई बीच में आ रही है, और जो इनका टेस्ट है बड़ा ज़बरदस्त है। अरे हम पी रहे हैं रबड़ी, अरे हम कैसी है, मज़े की है, पियो ये पियो, आराम रबड़ी वाला दूध पी रहा है। पर तो बहुत ज्यादा यम्मी है, मैं तो लगा कि आम रबड़ी जैसी होगी, नॉर्मल नॉर्मली, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा यम्मी है। अब मैं कुछ बोला नहीं जाएगा, मेरे मुंह में आ रहा है बहुत ज्यादा पानी, मैं भी जा रही हूँ उसे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को पता लगे कि ये रबड़ी शॉप कहाँ है, वो जाके इधर की रबड़ी टेस्ट करें, तो इस वजह से मैं ये शॉप के लेके आऊंगी धमाकेदार वीडियो ताकि आप लोग इनकी रबड़ी ट्राई कर सके। मुझे तो नहीं रुका जा रहा भैया। व्यूअर्स यही थी मेरी आज की धमाकेदार वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आवरिश नासिर को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें। मैं आज हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको मैं बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कहूँगी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और जो भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए अच्छा ही सोचें और हमारे मुल्क तरक्की करें।